उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। साथ ही स्पेशल स्टाफ फोर्स की टीम पेपर लीक मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने की बात कही। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा और अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने के बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां निकाल नहीं रही और अब जो निवेश के बहाने रोजगार की बात की थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप लगाए। जो पेपर लीक हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की और सुरक्षा का इंतज़ाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियाँ नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियाँ निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं अखबारों में, देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्ज़ाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतज़ाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है, और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है? छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं? एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियाँ निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। 200 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो ज़मीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने, और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा जहाँ लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी? उस नौकरी को क्यों रखा इन्होंने? टेम्प्रेरी नौकरी क्यों रखी इन्होंने? दिन दहाड़े राष्ट्रीय लोकदल के नेता राठी जी की हत्या हो गई, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए वो अलग बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर लीक हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की और सुरक्षा का इंतजाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। तो सुना आपने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर पहली बार यूपी में पेपर लीक हुए थे उसी वक्त कार्यवाही की गई होती तो आज ये हाल नहीं होता। आज तो डायलॉग चलते हैं, अगर पहले दिन ही कार्यवाही की गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के पेपर लीक नहीं हुए होते। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।